फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगला सेंधलाल के पास स्थित मनोज ईट भट्टे के पास एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी ली। उससे दवाएं और आधार कार्ड मिला। उसके आधार पर परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की जांच कराई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो मृतक राम प्रकाश पुत्र शोभा राम निवासी न्यू बाईपास रोड सत्यनगर टापा थाना उत्तर बीमार रहता था। वह कहीं भी घर से चला जाता था। वह रविवार की रात 9 बजे तक घर पर था। उसके बाद वह घर से चला गया। सुबह उसका शव शिकोहाबाद के नगला सेंधलाल के पास मार्ग में पड़ा मिला। जब लोगों ने शव को पड़े देखा तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी से आधार कार्ड और दवाइयां मिली। उसके आधार पर परिजनों से संपर्क किया गया। मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि शव की शिनाख्त आधार कार्ड से हुई थी। परिजनों का कहना था कि मृतक बीमार रहता था, कहीं भी घूमने के लिए निकल जाता था। शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति साफ होगी। क्या नाम आपका? अंकित नाम है मेरा। अंकित, क्या घटना हुई यहाँ पे? यहाँ पे नंगला सेंधलाल के पास में ये बॉडी मिली है मृतक। इनको पुलिस वाले ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, फिरोजाबाद भेज दिया गया। टापा कला के रहने वाले हैं ये। कहाँ पे मिली बॉडी? ये मिली है नंगला सेंधलाल के आसपास। कितने बजे घटना हुई है? अब ये तो मालूम नहीं है, पर अभी सुबह के टाइम मालूम पड़ी है, करीबन 9-9:30 बजे के आसपास। ये थाना सुखाबाद क्षेत्रागंत ग्राम सेंधलाल के पास में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट भी मौके पर बुलाया गया। जो प्राथमिक कार्रवाई थी वो सारी कराई गई। उसके बाद उसकी पहचान राम प्रकाश टापा कला फिरोजाबाद के रूप में हुई है। जाहिरा चोट उसके शरीर पे कहीं नहीं थी, फिर भी नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सकेगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।